सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कंचन और अभी हम लोग हैं एस्केप लैंड पटना में, जो सोनपुर दीघा से नज़दीक पड़ता है और ये पटना से थोड़ा दूर है। जेपी पुल पार करके जाना पड़ता है। आज के लिए काउंटर क्लोज। घूमना है तो 150 रुपए एंट्री फी है, कोई ये नहीं कर सकता। देखना था जब जाना ही है तो फाइनली हम लोग अंदर घुस गए एंट्री फी दे के, लेकिन जो राइड के लिए टिकट काउंटर बंद हो चुका था, जिस वजह से हमें किसी चीज़ का राइड टिकट नहीं मिला है। तो सिर्फ हम लोग अंदर घुस के इधर उधर देखेंगे क्या सेटअप है, किस तरह आइलैंड सेटअप हुआ है। तो इधर सामने देख सकते हैं आप, जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे तो आपको फ्लावर दिखेंगे और उसके राइट साइड आपको मिलेंगे रैप वे, तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं साइकिलिंग पे या फिर ऐसे रैप वे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इधर है, बाकी सामने गेट के सामने आपको फिर बोटिंग का मिलेगा। लेफ्ट साइड आपको मिलेगा एयर हॉट बलून और बहुत कुछ है। अभी सेटअप स्टार्ट ही हो रहा था, उतना कुछ ज़्यादा जमा नहीं था, फिर भी एक 1 जनवरी था तो भीड़ तो था। हमें पता नहीं था कि इस तरह कुछ होने वाला है, नहीं तो हम लोग जल्दी ही जाते। पहुंचते पहुंचते हम लोग का 3:30 बज गया था, तब तक काउंटर बंद हो चुकी थी, काफ़ी लंबी लाइन थी। और ये एकदम मेन टाउन से काफ़ी हट के है, एकदम एरिया आप देख रहे हो चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। और यहाँ देख सकते हैं रैप वे पे साइकिल चलाते हुए, तो अगर आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं। ऐसे अगर आप पैकेज जाना चाहें तो 1 जनवरी का जो पैकेज था वो पर हेड अगर आप लेते हैं फुल पैकेज तो आपको 1500 का पड़ता, यानी 1499 रुपया। और बाकी अलग अलग राइड का अलग अलग प्राइसेस था, जिस तरह आप लेना चाहें। तो जिसमें आपको पसंद हो उसमें राइड कर सकते हैं या फिर फुल पैकेज ले सकते हैं। बच्चों का भी था, किड्स जोन था, इधर देख सकते हैं बोटिंग है। बच्चों का जोन है, हॉर्स राइडिंग है, काफ़ी कुछ है। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं छुट्टी मनाने के लिए।
कि वाटर रोलिंग है, इसके रोल कर सकते हैं। ये आप पीछे का तो ढक जाओ। अरे यार कोई बात नहीं, समझ।